हरे लाला जी लाल रंग डलले बाबू साहेब बहुते मलले जामल न दही सही मोर। तब लड़का बोलता है कि ए जान जा दो जी करी है झूठ बरतनवा जामी चोरनवा गोद। हरे दौड़ी के फिजिकल कले नी तेज हरी आहिल ना बहाले निकलल एज। हरे दौड़ी के फिजिकल कले नी तेज आहिल ना बहाले निकलल एज। और अरे चार साल के नौकरी मोदी कहिलो लगवा के आहार मिला भार मोरा जानुआ के। लड़की बोल रही है बाबा वर्दी दे दी देह पम जानुआ के। जय हिंद, आप सभी का हेडलाइन भोजपुरी में स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही अच्छे सिंगर जो अपनी गायकी से बहुत ज्यादा अपने फैंस बना चुके हैं और खासकर यादव समाज में। आइए मैं आप सभी को रोहित यादव से रूबरू कराते हैं। कैसे सर? जी बहुत बढ़िया है, आप अपने बताइए। बहुत बढ़िया सर। अभी मैं इस लाइव स्टूडियो में सुन रहा था कोई आपका आर्मी का बहुत सुंदर गाना आने वाला है। जी बहुत मतलब अच्छा है, लड़का का जुनून हुआ है। अच्छा जब सुनेगा तो अच्छा लगेगा। उसमें सिर्फ आर्मी वाला भी है कि उसमें कुछ ये बोलबम का भी है? मतलब बोलबम ही है। बोलबम ही है। हाँ, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा गुनगुना दीजिए आप दर्शकों के लिए। तो एल्बम नेम है बाबा वर्दी दे दी मजनुआ के। बाबा वर्दी लवर सॉन्ग है। लवर सॉन्ग है। हाँ हरी दौड़ी के फिजिकल कले नी तेज हरी आहिल ना बहाले निकलल एज। हरी दौड़ी के फिजिकल कले नी तेज आहिल ना बहाले निकलल एज। और हरे चार साल के नौकरी मोदी कहिलो लगवा के आहार मिला भार मोरा जानुआ के। लड़की बोल रही है बाबा वर्दी दे दी देह पम जानुआ के। ए बाबा वर्दी दे दी हर देह पम जानुआ के। जी बहुत अच्छा सॉन्ग है और खास कर ये लवर आर्मी लवर के लिए। हाँ। एक खास सॉन्ग होने वाला है। ये बताइए कि ये आर्मी के लिए आप गाना मतलब काफी ऐसे मार्केट में गाना तो लगातार चल रहे हैं, काफी सिंगर भी गा रहे हैं, फिर आप आपको तो पता ही होगा कि आजकल नौकरी जो है 4 साल के लिए। हाँ, 4 साल के लिए हो गया। तो लड़का इतना दौड़ रहा है, मेहनत कर रहा है और 4 साल के लिए, आप बताइएगा वो अब देश पर जा रहा है जान देने के लिए, 4 साल का नौकरी करेगा, ये तो गलत बात है ना। अच्छा ये बताइए कि किस चैनल से आने वाला है? ये तो मेरा ऑफिशियल चैनल है, रोहित यादव ऑफिशियल, जो कल ही ओपनिंग हो रहा है। जी बोलिए। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि रोहित यादव ऑफिशियल जो चैनल है न्यू चैनल है और इसी चैनल पे ये सॉन्ग आने वाला है। अच्छा ये बताइए कि और भी किस तरह का गाना आपका आने वाला है बोलबम का? बोलबम का अभी गाना है, आएगा जो देखिए अभी पूरा राइटर। फिर भी कितना प्रोजेक्ट होगा आपका? 2 से 3 होगा। 2 से 3 होगा। सर यहाँ पर इस स्टूडियो में सर ये आप इस स्टूडियो का थोड़ा डिटेल थोड़ा बताइए, स्टूडियो कैसा है और यहाँ पर किस तरह का अभी बोलबम का सॉन्ग के लिए किस तरह का ऑफर चल रहा है? देखिए हमारे पास तो अभी तक कोई ऑफर नहीं निकला है। हाँ कोई गरीब कलाकार आ जाए जो मतलब कि सहमत नहीं रहता है पैसे देने में, सक्षम नहीं होता है, तो हम उसमें मैनेज कर लेते हैं। ऑफर निकालने से कुछ नहीं होता है, ऑफर निकाल कर क्या होगा? अगर कोई कलाकार आए बोल दे कि भैया मेरे पास यही पैसा है चाहे नहीं है हमको ये गाना गवा दीजिए, तो हम लोग एकदम निस्वार्थ के लिए मतलब कि मदद कर देते हैं, गाना गवा देते हैं। इनका जो अभी आर्मी का जो सॉन्ग अभी जो आप रिकॉर्ड किए हैं कैसा सॉन्ग होने वाला है? बहुत बढ़िया सॉन्ग है। देखिए अभी ये फिलहाल जो ये माहौल चल रहा है आर्मी और इंडियन आर्मी जो भी है, टीओडी टूर ऑफ डे जो भी है ड्यूटी, ये नहीं होना चाहिए और इसी के विरुद्ध में, चाहे विरुद्ध में मानिए चाहे
भगवान शंकर जी से लड़का अर्जी कर रहा है, लड़की और लड़का मिलकर, कि बाबा जल्दी से मतलब कि नौकरी लगवा दीजिए। और सबका एक सपना होता है कि नौकरी करने के बाद अगर वो व्यक्ति 20 साल 25 साल जितना भी पहले था जिंदगी भर देश चला, हाँ, सेवा करे, और रिटायरमेंट आने के बाद अच्छा खासा मतलब कि जीवन जो आता है, जो पेंशन आता है, उससे आपका जीवन जो होता है अच्छे से कट जाए। अभी मान लीजिए कि ये 4 साल का तो नौकरी हो गया और इसमें आपको बहुत होगा तो 10 लाख, 10 लाख में आपका जीवन का पूरा उत्थान हो जाएगा। तो मतलब खास कर इसी मैटर पे ये सॉन्ग बना हुआ है। हाँ, टीओडी हटाने के लिए ही कि मोदी जी को अब ये समझ में आ जाए कि टीओडी को हटाया जाए और देश का बहुत सारा विकसित थोड़ा काम हो। ऐसा नहीं है कि टूर ऑफ जो है, टूर ऑफ ड्यूटी जो है वो गलत है, गलत नहीं है, लेकिन ये कुछ सुधारों की जरूरत। हाँ, उसको जैसे चलिए आप लोग का काफी अच्छा प्रयास ये हो रहा है। आपका एक और ये गाना हिट हुआ है, तू जाने जान, ऐसी कुछ गाना था। आज ही फिर आप भैया का रिकॉर्ड किया हुआ है जी। और मतलब जितना हम शुरू से गा रहे हैं, जितना प्रोजेक्ट आता है इन्हीं के हाथ से आता है, मेरा इसमें कुछ नहीं होता है। मतलब जो भी है यही है, हम इसमें कुछ नहीं करते। अपने अपने फैंस के लिए, अपने दोस्तों के लिए गाना थोड़ा सा बना दीजिए। हाँ, वो वाला जनु छूटत तोहर नेह देह में हर दिया लगाता। वैसे लिरिक्स उतना याद नहीं है, काफी ज्यादा हो गया ना, पर मेरा याद है। अरे आजू के रात मुलाकात कईली होते भोरे हो जाइबो पियावा के। अच्छा ये बताइए जो ये आपका आप ये बताइए जो आपका ये लवर सॉन्ग जो आया है आर्मी वाला टीओडी को लेकर, हाँ। जो इसमें जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो आप जो लवर है, जो लड़की है, वो गुहार लगा रही है मोदी जी से, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो या उससे कोई रिलेटेड हो मैटर? अरे नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मतलब होता है कि अरे बहुत लोग देखिए आर्मी का जो तैयारी कर रहा है बंदा, उसका गर्लफ्रेंड नहीं है, जी है वो भी चाहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड का नौकरी हो जाए, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, शादी भी कर लेगा आगे चल के, करेगा ना भाई, तो होता है। अभी खास करके आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा कॉमेडी जो वायरल हो रहे हैं कि लड़की बोल रही है कि क्या, हाँ, कि अरे नौकरिया के का भाई। हाँ। लड़का बोल रहा है कि बाबू तू हमारे नौकरी के टेंशन छोड़ा, मोदी सरकार को हमारा भरोसा नहीं है, अपन पापा ले कह दे कि तार शादी कहीं कर दे, नौकरी तो लागे वाला बा ना। संगीत एगो एंटरटेनमेंट के चीज है, हमने के अपन गीत संगीत से लोग के एंटरटेनमेंट करी नहीं जा, और केहू के दिल पर हमने के ठेस पहुंचावे के कोनो रीजन ना रहेला। तो संगीत बस एगो जान ली कि एगो संगीत एंटरटेनमेंट के जो जरिया है, हमने के लोग के अपना आवाज से पब्लिक के परोसे ना जाए और लोग ओकरा के सुन के बहुत ही अच्छा महसूस करेला जी। अच्छा ये बताइए रोहित जी, आपकी आप अपना जीवन में किसे अपना आदर्श मानते हैं? आदर्श है जो अभी उनका नाम है ऋषि शंकर। मैं देखिए, मैं छोटा था तो उस टाइम से मतलब उनके पास जाके बैठता था और मतलब जहाँ भी जाना था वो मेरे को लिया के जाते थे। भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई बड़ा कलाकार, बड़ा चेहरा, कोई बड़ा नाम नहीं, अभी ऐसा कोई नहीं है जी। सबको मानते हैं, सबको मानते, सब अपना है और सब मेहनत करते हैं। अच्छा, मेहनत करते हैं। मैंने आपका गाना सुना था, आप रोहित यादव हैं, यादव समाज से बिलोंग करते हैं और यादव समाज पे एक बहुत ही तगड़ा आपने गाना गाया था। हाँ। मैं चाहूंगा अपने यादव फैंस के लिए खासकर ये गाना सुना दे। हरे लाला जी लाल रंग डलले बाबू साहेब बहुत मोलले जामल न दही सही मोर। तब लड़का बोलता है कि ए जान जादू जी करी है झूठ बरतनवा जामी चोरनवा गोर। जो मतलब अभी तो बहुत सिंगर उठा के गाए इसको, मैं उतना लेता नहीं हूँ कि मैं विवाद में पढ़ू ये वो फलान ठेका, जो गाया गाया, क्या दिक्कत है। हाँ, उससे मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा नहीं, गाना आपका काफी अच्छा है, तो ये जो दही का जो बात कर रहे हैं ऐसा क्यों, ये जादू जी क्या है मतलब?
मतलब ये आपस में लाला जी का बात कर रहे हैं और भी कोई का उनका वो क्यों नहीं कर सकते जो आप क्या क्या है, आप दही में और दूध में मास्टर हैं। देखिए हम लोग जादू जी हैं जी, जादू वो हम लोग का पेशा है जी, पेशा एकदम। मतलब जितना हम लोग जितना भी मतलब धनी हो जाए पूरा भी धन दौलत पूरा हो जाए, लेकिन द्वार पर एक गाय या भैंस रहबे करेगी, ये मेरा पेशा है। मतलब आपको महारत हासिल है। हाँ हाँ। चलिए वैसे तो ये गाना थोड़ा डबल मीनिंग का अर्थ भी निकलता है। हाँ। निकलता है नहीं सर? भोजपुरी क्या है सर, कोई गाने नहीं है कि सर को उसका डबल मीनिंग ना निकले। हाँ। भोजपुरी भाषा ही धरती पे चलता है। तो आप इस गाने को खूब सुने, प्यार करिए, और गाना डबल मीनिंग हो सकता है पर डबल मीनिंग की तरफ ना जाए। जो इन्होंने बात कहा, अपनी विशेषता इन्होंने दर्ज कराया कि ये विशेषता है इस कास्ट का, तो आप सभी इनको और सारा प्यार दीजिए। अच्छा ये बताइए कि जो ये आर्मी वाला जो सॉन्ग आ रहा है एक बार और गुनगुना दीजिए, और किस चैनल पर आने वाला है पूरे डिटेल में बताइए। ये मेरा ऑफिशियल चैनल है जो कल ओपनिंग होगा, जिसका राइटर सब बता रहे हैं, और इसका राइटर आर डी सुमित है, और इसी स्टूडियो में। हाँ हाँ सब बता रहे हैं जितना भी, और म्यूजिक जो दिए हैं वो आकाश चौहान जी, आकाश चौहान जी ना, मतलब बहुत सारे मेरे वहाँ पर हमारा भाई है वो गाना लिखता है, अच्छा लिखता है, सनेही से का नाम है, और इनका तो आप जानते ही हैं। हाँ हाँ उदिन जी मेरा मतलब जब से मैं पता नहीं हम गाते थे कि नहीं गाते थे उसी टाइम से इनका मेरा रिलेशन है, और मेरे को आगे बढ़ाते हैं, सपोर्ट करते हैं बहुत। तो एक बार ये गाना का हरे दौड़ी के फिजिकल कॉलेनी तेज आइल ना बहाली निकला लेज, हरे दौड़ी के फिजिकल कॉलेनी तेज आइल ना बहाली निकला लेज, चार साल के नौकरी मोदी कहिला लगुआ के। तो लड़की बोलती है आहार मिला भार हमारा जानू के, बाबा वर दी दे दी देह पम जानू के। वाह क्या गाना है, बहुत ही सुंदर गाना है, गाना बहुत ही जल्द आप सभी को रोहित यादव ऑफिशियल चैनल पर सुनने को मिलेगा। इस गाने को बहुत सारा प्यार दीजिए, और चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बहुत सारा गाना का प्यार दीजिए, क्योंकि गाना ये जो गाना है खासकर आप सभी का दुख दर्द को दर्शाता है।